सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एबीवीपी इकाई ने कुलपति व उप कुल सचिव का घेराव किया। एबीवीपी ने सीओ में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए घेराव किया। वहीं एबीवीपी ने रजिस्ट्रार से इस्तीफे की मांग करते हुए गैर शैक्षणिक पदों पर हुई भर्तियों के न्यायिक जांच की मांग की है। एबीवीपी का स्पष्ट कहना है कि यदि सीओ प्रशासन ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो परिषद आंदोलन तेज करेगी। परिषद नेताओं ने पहले भी इस धांधली को उठाया था और संगठन ने इस भर्ती में धांधली का आरोप लगाया था। अब आरोप सच साबित हो रहे हैं। एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री राहुल राणा ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा हिमाचल उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की थी, उसके तहत पिछले कल सीओ में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर तैनात एक व्यक्ति निकाला गया है। उत्तक व्यक्ति 31 मई 2018 को विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ था। राहुल राणा ने आरोप लगाया है कि उत्तक व्यक्ति को इसलिए निकाला गया है क्योंकि वह पात्र नहीं था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपात्र को किसने सीओ में नियुक्त किया था। राहुल राणा ने उत्तक नियुक्ति में भाई भतीजावाद के भी आरोप लगाए हैं। राहुल का आरोप है कि गैर शैक्षणिक पदों पर परिणाम दो बार आना, परिणाम निकालने से पहले ही ओएमआर सीट्स को जलाना धांधली की ओर इशारा करता है। राहुल का आरोप है कि विश्वविद्यालय में ऐसे व्यक्तियों को रखा गया है जिसे यूसीजी ने रिकवरी डाली है और जिसने रिकवरी का भुगतान नहीं किया है। इस अवसर पर एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवनीत कौशल, विभाग संयोजक अमित, विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष केतन शर्मा, हरसील, आयुष, लेखराज, रोहित व अन्य उपस्थित रहे। आज आपने जो प्रोटेस्ट किया है, क्या कारण रहे उसको? देखिए, आज प्रोटेस्ट करने का हमारा मुख्य उद्देश्य था, जिस तरीके से हम पहले भी आर रजिस्ट्रार का घेराव किया गया था, जो मुद्दा था कि इस गैर शैक्षणिक पदों पर जो है वो धांधली की गई है, भाई भतीजावाद किया गया है, उसको लेकर पहले भी हम आपके पास यहाँ रजिस्ट्रार के पास आए थे और आज इसी मांग को लेकर जो है आज हम दोबारा से रजिस्ट्रार के पास आए थे। और इसमें जो है, जिसमें देखा गया कि रजिस्ट्रार ने जो है वो अपने पैसे, अपने जो है जेबें भरने के लिए, अपने पैसे ऐंठने के चक्कर में अपने लोगों को जो है नौकरियां तक दी, और यहां तक कि इतनी यहां दिक्कत आ गई कि आने वाले अभी जो है पिछले ही कुछ दिन, दो तीन दिन पहले टर्मिनेट तक करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि विद्यार्थी परिषद पहले बोल रही थी कि इस गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती पर जो है धांधली की गई है, और आज धांधली जब सामने कब आई, जब हमारे ही कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया, तो उसमें जो है उधर हाईकोर्ट से ऑर्डर आने के बाद जो है जब इनको पता लगा कि हाँ हम लोग जो है धांधली हमारी जो है वो अब पूरे समाज के सामने दिखने वाली है, तो इसलिए जो है उन्होंने उस गलती को जो है अपने आप जो कि इंटेंशनली की गई थी, अपने जेबें भरने के लिए जो गलती की गई थी इन लोगों ने, उस करतार नाम के जो व्यक्ति को पिछले कल ही जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। दूसरा मुद्दा था कि आज जब ये रिक्रूटमेंट चली थी तो सबसे पहली बात की दो बार जो है इसका रिजल्ट निकाला गया। ये दो बार निकालने का रिजल्ट निकालने का मतलब क्या था, और इसके साथ ही जब रिजल्ट निकला नहीं था उससे पहले ही जो है वो ओएमआर सीटों को जो है जला दिया गया। उसमें क्यों जला दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उसमें साजिश थी अपने लोगों को, उन ओएमआर सीटों में जो है अपने लोगों को जो है वो मार्च मार करके पूरा फॉर्म भर के जो है वो जो है अपने लोगों को उस पदों पर बिठाने के लिए, तो इस मुद्दे को लेकर जो है आज हम रजिस्ट्रार के पास आए थे और हमने ये चेतावनी दी है कि जब तक इस रजिस्ट्रार का जो है यहाँ से बर्खास्त नहीं किए जाते हैं तब तक जो है विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन को और उग्र करेगी और तेज करेगी, और जब तक ये निष्कासित नहीं होते हैं तब तक विद्यार्थी परिषद आखिरी तक जो है लड़ाई करेगी। उधर सीओ के कुलपति डॉक्टर कुलदीप सिंह अग्निहोत्री ने बताया कि धांधली के आरोप गलत हैं, सीओ सही ढंग से चल रही है। एबीवीपी द्वारा जो रजिस्ट्रार का इस्तीफा मांगा गया है वो गलत है, धांधली की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हटाया गया है वो पात्र नहीं था, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया है। जहां तक ओएमआर सीट जलाने की बात है तो खाली सीट ही जलाई गई है। मांग की है केंद्रीय विश्वविद्यालय धांधलियों का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? भाई ऐसा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोई धांधलियां नहीं हो रही और केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल्कुल ठीक चला हुआ है, और विद्यार्थी परिषद ने जो मांग की है इस्तीफा या इस प्रकार की बातें हैं, मुझे लगता है इस प्रकार की बातों में कोई दम नहीं है, और जो भी कोई गलत बात हमारे ध्यान में लाई जाती है हम उसकी जांच करके उसको रेक्टिफाई करते हैं। इसलिए मेरा अपना ये कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जितना अच्छे ढंग से चला हुआ है, और मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कहता कि उसका क्रेडिट मुझे देना चाहिए जो मैं लेना चाहता हूं,
हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर जो पढ़ने पढ़ाने का माहौल है और हमारे यहां भी ऐसा माहौल है, लेकिन स्टूडेंट्स की कुछ जेन्युइन मांगे होती हैं और जब भी स्टूडेंट्स की मांग आती है हम उस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हैं। सर, जो भर्ती हुई है हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय की, उसमें से आपने एक जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी है, तो इससे कहीं ना कहीं धांधली की जो है बू आ रही है, तो क्या कहेंगे? और ये भी सूचना है कि कुछ और व्यक्ति को आप हटाने जा रहे हैं। देखो ऐसा है, एक तो जो धांधलियों की बू आ रही है, मुझे लगता है ऐसी बू बिल्कुल नहीं आ रही। जब किसी भी स्टेज पर कोई पता चले कि कोई गलत काम हो गया है, जहां ह्यूमन एरर हो गई है किसी नेग्लिजेंस के कारण, तो उसको तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए। देखिए, यदि कोई गलती होती है उस गलती को दबाना नहीं चाहिए, यदि कोई गलती होती है तो उसको तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए। किसी की अपॉइंटमेंट जो नॉट एलिजिबल था उसकी अपॉइंटमेंट हो गई थी, तो जैसे ही हमें पता चला हमने तुरंत उसको हम ये नहीं कहते उसको हटा दिया, उसका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है, सिंपल लॉ का फार्मूला है, तो उसका केवल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, उसमें हटाने वाली। सर, आरोप ये लग रहे हैं कि आपने अपनी स्वेच्छा से उनको नहीं हटाया, आपने जो उनको हटाया वो हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद इनको इस मामले को हटाया। हमने ना हाईकोर्ट का मुझे पता है कि मामला चला गया है या नहीं, जब हमें पता चला कि उसमें एलिजिबिलिटी उसकी नहीं है तो हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया और जो हमारा और उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। सर, एक और बात सामने आ रही है कि जो आपने टेस्ट कंडक्ट कराए थे उसके बाद जो खाली ओएमआर सीट बची थी उसको यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जला दिया है, जबकि नियमों के अनुसार उसे जलाया नहीं जा सकता, चाहे वो राज्य में भर्ती हुई हो चाहे वो केंद्र की किसी भी संस्था में हुई, तो उस पर क्या कहेंगे? क्वेश्चन पेपर बचते हैं बाद में, जो खाली क्वेश्चन पेपर बचते हैं, ओएमआर शीट जो है वो खाली ओएमआर शीट है, तो उसको प्राय जलाया ही जाता है, नष्ट किया जाता है। यूनिवर्सिटियों में ढेर के ढेर क्वेश्चन पेपर के लगे रहते हैं, बाद में उसको रद्दी में भेजते हैं या उसको जलाते हैं, ये सब यूनिवर्सिटी में यही प्रोसीजर है, केवल जहां नहीं है। जी सर, पर तुरंत भर्ती के बाद ओएमआर को शीट को जला देना केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओएमआर शीट, जो खाली ओएमआर शीट थी सर, तो इसी में तो जो सारी जो प्रक्रिया सवालों के घेरे में है कि सर, प्रक्रिया सवालों के घेरे में तब हो यदि किसी की आंसर शीट जला दी गई हो। जो खाली क्वेश्चन पेपर मेरे पास बचे हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर का ढेर लगाकर मैंने क्या करना है? यदि मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है, आपने 500 क्वेश्चन पेपर छपवाए हैं, 300 यूज हो गए हैं, 200 क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, आप उनको कितने साल तक संभाल कर रखोगे? तो इसलिए खाली क्वेश्चन पेपर से खाली जो चीजें जलाई जाती हैं, जो नष्ट की जाती हैं, वही प्रक्रिया सभी यूनिवर्सिटी में होती है, जहां भी वही प्रक्रिया हुई है।